हाय डॉक्टर वैलम, नमस्कार। आप लोग बताइए कैसे हैं ठंडी में? हमारे ख्याल से आप लोग तो अच्छे होंगे। हमारे भाई बहन लोग, भैया लोग, आप लोग अपने बच्चे को ज़रूर बचा के रखें, क्योंकि ठंडी बहुत तेज पड़ रही है। भूख नहीं हो रहा है यार 3-4 दिन से। बच्चे कैसे, स्कूल भी बंद हो गया है, बच्चे कैसे रह रहे हैं कैसे नहीं। हाँ, बड़े लोग का भी हालत ख़राब हुई है, तो बच्चे को क्यों नहीं ख़राब होंगे? बच्चे भी रो रहे हैं घर में, खेल कूदने खेलने के लिए, बाहर जाने के लिए। इसीलिए भाई बहन लोग, देखिए मेरा गेहूं नहीं सुखाया है, मैं पंखा चालू करके सुखवा रही हूँ। देखो, देखिए, आज 3-4 दिन से धुली हूँ, धूल सूखा नहीं है, धूप ही नहीं हो रहा है तो कहाँ सूखेगा। तो मैं सोची थोड़ा पंखा चालू करके धर दूँ, सुखा जाएगा। अभी तो बहुत नरम है गेहूँ, थोड़ा बहुत कुटका कर रहा है। अगर आज सुखा जाएगा तो कल बना के इसको मशीन पे भेज दूंगी पिसाने के लिए। आटा मेरे नहीं है, थोड़ा सा है। देखिए कितना तेज धूम घाम हुआ है, सॉरी। देखो इतना तेज बादल छाया हुआ है। देखिए यहाँ नाली बन रहा है। देखिए यहाँ पे कोड़ा जला के रखी हूँ। अभी मैं जा रही हूँ पुरवा पे, थोड़ा सा काम है घर द्वार। देखिए उतना लकड़ी रखी हूँ तापने के लिए। मेरा लड़का घूमने चला गया, मेरे पति काम पे गए। अभी देखिए मैं बर्तन धुल के आई हूँ, घर बाहर ही हूँ। आज पोछा नहीं लगा क्योंकि आज ठंडी है। कल भी ठंडी था लेकिन कल लगाई थी 2 दिन, आज नहीं लगाऊंगी। अभी जैसे मैं जीना बहार रही हूँ, आप लोग अपने बच्चे को बचा के रखिएगा, कौड़ा के पास रखिएगा। आप लोग भी बच के रहेंगे भाई बहन लोग, तभी हम लोग अपने आगे बढ़ पाएंगे। आप लोग की तबीयत ख़राब हो जाएगी तो हम लोग भी, जान लो खराब तबीयत हम लोग को भी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आप ही लोग का तो सहारा है हमको। मैं आप लोग को कह रही हूँ, अब मुझको देखो, मैं साल खाली ओढ़ी हूँ, अभी स्वेटर नहीं पहनी। अभी मैं पुरवा पे जाऊँगी, उसके बाद स्वेटर पहनूंगी। भाई बहनों, मैं आपको से ही निवेदन मैं करती हूँ कि आप लोग ठंडी में बच के रहिएगा, बच्चों को भी ठंडी में बचा के। आप लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े ही रहिएगा, मेरे भैया भाभी बहन लोग। कमेंट भी कीजिएगा, अगर हमारे बात में कोई सच्चाई है तो उसे कमेंट लिख के ज़रूर बताइएगा। कमेंट भी कीजिएगा और सपोर्ट भी कीजिएगा, लाइक भी दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है। अभी मैं पुरवा पर से आऊँगी, उसके बाद नहाऊँगी धुलूँगी, तब फिर मैं अपने वीडियो पे बनाऊँगी, क्योंकि बहुत सारा काम है। मेरे पति तो काम पे चले गए, सारा काम मुझको ही करना पड़ता है। इसलिए भाई बहन लोग, भैया लोग, भाभी लोग, मेरी प्यारी बहन लोग, बुआ बुआ लोग, सब लोग से विनती करती हूँ कि आप लोग हमारे मंजिल तक हमको ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे हमारे पति भी, उनको चोट लग गया था हाथ को, 3 महीना हो गया, काम नहीं कर रहे थे। उसके बाद 2-3 दिन से जा रहे हैं। इसलिए कि आप उसे निवेदन है, मिलती है कि आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर देखिएगा, अंजू देवी 1-2-3। हमारा गांव है कोठवा भरतपुर, जिला बस्ती है। यही आप लोग से मिलती है। नमस्ते, बाय। देखिए मेरा लड़का भी आ गया।